Hello, good morning. Vlog चालूगी क्या सुबह सुबह? अरे बाप. Yes. Vlog आज से continue होना चाहिए ना. कितने बजे रात को सोया? 4 बजे सोया मैं. किस लिए? Netflix. Hi guys. गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. थोड़ी देर और. कितना बज रहा है? 11. थोड़ी देर और सुन देते. 11 बज रहा है. तो क्या हुआ? तो गाइज आज है मंडे. मंडे आज कितना तारीख है बे? 7 तारीख है आज, दिसंबर का 7. वैसे तो ठंडी का मौसम चल रहा है. नींद जो आती है ना भाई, थोड़ा सा ठंडी लगे बॉडी को और नींद जो आती है प्यारी वाली, फिर उठने का इच्छा नहीं करता. देखते हैं आज का ब्लॉग में भी बहुत खास है. कुछ प्लान किया हुआ मैंने बालों के साथ में, तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं बालों के साथ. अर्ली मॉर्निंग ब्रश गाइस. बिना ब्रश किए तो मेरे को रिफ्रेशमेंट लगता ही नहीं. ब्रश और वॉशरूम अर्ली मॉर्निंग जाना जरूरी है, तो मैं वही कर रहा हूँ. उसके बाद प्रिपेयर फॉर द हेयर का जो करना है, उसके बाद यही कर रहा हूँ. तो ब्रश होके फ्रेश कर लूँ, नाश्ता वास्ता कर लूँ, उसके बाद ब्रश करो. मैं करो करो ब्रश करो. करो वैसे नहीं ऐसे ऐसे ब्रश करो ऐसे बाबा लग जाएगा मुंह में ऐसे. गुड गर्ल. अच्छा सीख लिए, लेकिन ब्रश कर लिए. सो गाइज आई एम टोटली फ्रेश, वेटिंग फॉर माई नाश्ता. देखते हैं वाइफ के पास जाके कि अभी नाश्ते में क्या बन रहा है. तो लेट्स गो इन द किचन. एंड हम लोग किचन के पास ही. किचन ज्यादा दूर तो है नहीं, आपको पता ही है. अगर मैंने आप ब्लॉग देखा होगा आपने मेरा माई हाउस टूर, तो उसमें आपको पता ही होगा कि किचन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है एंड कितना बड़ा घर है. उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन कोलकाता कितने में मैंने ये रूम रेंट पे लिया है और यू नो क्या क्या रेट में आपको मिलेगा यहाँ ओवर हियर इन कोलकाता. तो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा माय होम टूर का, आप जरूर जाके देखना एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो कि वीडियो कैसा लगा. ठीक है, तो अभी वाइफ से पूछते हैं, देखते हैं क्या बना रही है वो. ए गर्ल्स, तेरी बेटी और क्या कर रही पीछे ब्रश लेके? आदू ब्रश दो मेरे को, ब्रश दो. करना तो है नहीं, बस ले खेलना है. ए, अमिता क्या बना रही नाश्ते में? नाश्ते में अभी चाय बिस्किट. चाय बिस्किट बस? एंड देन मैगी एंड देन लंच में फ्राइड राइस एंड. अभी ये सब क्या है? ये तो मेरी बेटी का खाना है. ओ चीकू का खाना बन रहा है. देखिए चीकू का खाना, अगर आपको जानना है कि बच्चों को छोटे बच्चों को खाना कैसे बनाना, तो दिस इज कैरेट एंड बीन्स है ये, राइट? इसके साथ में क्या मिलाएगी? चावल. चावल एंड ये 2 दिन से बहुत खा रही है तो आज ये स्किप कर. ओके, बीट रूट भी. हम लोग नॉर्मली इसको बीट रूट भी खिला रहे थे कुछ दिनों से. ये इस टाइम पे यू नो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए. तो ये हम लोग तो हम लोग बहुत टाइम से किसको कैरेट तो बहुत रेगुलर है. अभी हम लोग ने इसमें ये भी क्या बोलते हैं उसको, बीट रूट भी ऐड किया, बीन्स भी ऐड कर दिया उसमें. अभी सीजन है ना सब्जी का, सस्ता मिलता है. आ दुवे नाखून निकालो. क्या हो रहा है नाखून? टेंशन आ रहा है आपको? छी छी बाबा, ताली मारो तो ताली मारो. ताली मारो. ये इस नाश्ता बनने में टाइम है, तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कौन से ब्रांड का कलर मैं यूज करने वाला हूं, उसका कॉस्टिंग क्या है, कौन सा कलर है जो मैं अपने बालों पे अप्लाई करने वाला हूं. तो हियर इट इज. देखिए ये रहा स्ट्रेक्स का कलर है, राइट? आपको जब दिख रहा हो स्ट्रेक्स का कलर है अल्ट्रा लाइट्स किट है इसमें और वाइब्रेंट रेड है. वाइब्रेंट रेड यूज करने वाला हूं मैं एंड ये मुझे पड़ा है, लेट मी सी, 160 रुपए का पड़ा है दोस्तों. तो ये मुझे अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है. तो फिलहाल मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी इसे ट्राई मत करना, मैं इसे अप्लाई कर लूँ, अप्लाई करने के बाद मैं इसके रिजल्ट देख लूँ. एक हफ्ता तक मुझे देखने दीजिए कि कैसा लग रहा है, बालों को कोई नुकसान हुआ है कि नहीं. अगर नहीं होता तो बेस्ट है,
तब मैं आपको इसको फीडबैक दे दूंगा, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यूज मत करिएगा, पहले मुझे अप्लाई कर लेने दीजिए। अमिता नाश्ता हो गया? चाय बन रहा है, तो थोड़ी देर, दो तीन मिनट में आई विल स्टार्ट विद द कलरिंग, देखते हैं उसके बाद में। पहले नाश्ता कर लेता हूँ फटाफट में। छूटके ही गिर गया। कोई नहीं, अरे ये बिस्किट का शॉट ले रहा था मैं, अंदर ही टूट के गिर गया। तो गाइस मेरा चाय नाश्ता हो रहा है, चाय तो आपने देख लिया, उसी तरीके से ये इसको हम लोग क्या बोलते, टोस्ट है ना, तो यही खा रहा हूँ। इलायची वाला टोस्ट, इलायची वाला टोस्ट जो कुछ भी, वही टोस्ट खा रहा हूँ मैं। मुंबई में से देखे हर जगह इसको यही बोलते हैं टोस्ट। इसके बाद मेरा बेसिक नाश्ता भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चना, चना भिगा के रखा रहता है सुबह, वो और बादाम आई गेस उसमें मिला हुआ रहता है, और सिंगदानों साथ में होता है, तो वही मैं खाऊंगा। एंड आई उसके बाद मैं फिर बालों को कलर करना चालू कर दूंगा। सो गाइज मैं अभी अपने बालों को कलर करने जा रहा हूँ। कलर करने से पहले देखिए, ये पूरा येलो टी शर्ट है, इस पे एक दाग, अगर कोई ड्रॉपलेट्स गया तो दाग लग जाएगा, तो मैं उसी कलर का टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ फटाक से। तो लेट्स गो। तो गाइज टी शर्ट चेंज हो गई है, तो गाइज अब मैं जा रहा हूं अपने बालों को कलर करने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स है जो अपने को करने हैं। देखिए यहाँ पे तीन पैकेट इधर, तीन पैकेट इधर हाथ में पड़े हुए, सो बहुत सारा चीजें करना है, वो मैं फटाफट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि जब भी आप खरीदोगे तो ये इस तरीके के पैकेट होंगे उसमें। तो उसमें पहला स्टेप जो आपको यूज करना होगा वो होगा ब्लॉन्डर पाउडर एंड ये है डेवलपर। तो आपको पहला स्टेप में ये दोनों मिक्स करना है, ये दोनों मिक्स करके 30 मिनट्स तक अप्लाई करना है। उसके बाद में लूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी से अपने बालों को धो लेना है। उसके बाद में आपको अप्लाई करना है ये डेवलपर के साथ में कलरेंट क्रीम, ये दोनों को मिक्स करके इसको भी आपको 30 मिनट्स तक अप्लाई करना है, फिर से धो लेना है अपने बालों को। देन आफ्टर आपको क्या करना है, धोने के बाद में आपको ये अल्ट्रा शाइन कंडीशनर है, ये 2 से 3 मिनट तक अपने बालों पे लगा के रखना है, उसके बाद में फिर से धो लेना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं फटाफट अपने बालों पर ये ब्लॉन्डर पाउडर और ये डेवलपर मिक्स करके लगा रहा हूँ, तो फटाफट लगा लेता हूँ। तो डेवलपर जो मैंने ऐड किया, देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, व्हाइटिश कलर का डेवलपर है अद। एंड नाउ टाइम है मैं इसमें ब्लॉन्डर पाउडर अप्लाई कर, मिक्स कर देता हूँ। सो हियर वी गो। तो गाइस ये जो किट है, किट में मुझे ये ब्रश भी मिला है, तो इस ब्रश के यूज से मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ फटाफट। मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे फटाफट अपने बालों पे अप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। पता था ब्लॉन्डर पाउडर ये मैंने अप्लाई कर लिया है पूरी तरीके से अपने बालों पर। अब मुझे वेट करना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स वेट करने के बाद में फिर मैं इसे दोबारा से जो सेकंड प्रोसीजर वो अप्लाई करूंगा। तो लेट्स वेट फॉर 30 मिनट्स। तो गाइज आई एम बैक, मैंने अपने बालों को धो लिया है और मैं देख क्या बताऊं कि क्या कलर आया है। पहले में ही जब मैंने ब्लॉन्डर यूज किया है उससे क्या कलर आया आपको कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन आपको भी शॉक लगेगा देख के। एंड सी दिस, ओ माई गॉड, आप देख रहे हो क्या हुआ मेरे बालों को। पहले में ही ये हाल है, अगर मैं दूसरा यूज करूंगा तो क्या होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। माय गॉड। तो गाइस अगर ये अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। अभी मैं दूसरा वाला अप्लाई करने जा रहा हूँ, आई डोंट नो कि क्या होगा उससे। बाप रे बाप। तो गाइज अभी बारी है कलरेंट का, देखिए कलरेंट क्रीम एंड डेवलपर, ये दोनों मिक्स करने का, ये सेकेंड स्टेप है यूज करने का।
ये भी बात बताना चाहूंगा कि ये 160 रुपए मैंने पूरा घर को ही, मतलब घर पे बैठ के अपने बालों को इस तरीके का कलर कर लिया। हालांकि आप खुद भी कर सकते हो अपने घर पे जाके, इंस्टेड आप 1000 रुपीज या 2000-2500 जाके आप जो सलों में खर्चा करते हो, इससे अच्छा आप घर पे ही कर लोगे। अगर मेरे बाल पे इतना अच्छा रिएक्शन हो सकता है ये सब का, तो आपके बालों को तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बस आपको स्टेप फॉलो करना है जैसा मैं कर रहा हूं। अभी दूसरा बार ये कलरेंट एंड डेवलपर का, लेट्स ट्राई इट, देखते हैं क्या कलर आता है। गाइज यार मेरे को ये कलर देख के डर लग रहा है कि आपको दिख रहा है पूरा रेड, दिख रहा है आपको पूरा रेड कलर है, देखते हैं कैसा दिखने वाला है। देख के डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, भाई गिर जा। ओह माय गॉड, देखो बाप रे बाप। सो गाइज ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मेरा बाल कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या कलर मिलने वाला है, वाइब्रेंट रेड क्या होता है, आई डोंट नो। इसको अप्लाई करके देखता हूं, अगर मेरा बाल ऐसा हो गया तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, मैं बाल टकला हो जाऊंगा, मैं टकला हो जाऊंगा। मेरे को ऐसा कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, लेट्स सी क्या कलर मिलता है मेरे को। तो लेट्स स्टार्ट, अप्लाई करना चालू करते हैं। ओ बाबा, ओ माय गो तुलू कलर। तो गाइज आप देख सकते हो पूरा बाल रेड हुआ पड़ा है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है आगे, बट आई एम स्टिल सरप्राइज। पहले वाला जो मेरा रिएक्शन था, जो देखने बाल के जो पहला वाला इंग्रेडिएंट जो मैंने लगाया अपने बालों पे जो था वो, उसके बाद में जो था मेरे को तो देख के पूरा एकदम चौक गया मैं। अभी दूसरा वाला जो है वो तो अलग ही कलर है, मुझे अभी भी टेंशन हुआ कि अगर यही कलर रह गया तो क्या होगा, भाई बवाल हो जाएगा। तो गाइस अनबिलीवेबल जो कलर रिएक्शन आया है मेरे बालों पे, आपको हल्का हल्का दिख ही रहा होगा, मैं जानबूझ के इसको छुपा रहा हूं अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसा लगने वाला है। प्लीज देखिए, माई गॉड, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा मेरे बालों को देख के कि ये मेरे बाल है। अगर आप वीडियो दोबारा शुरू से देखोगे उस वक्त का कलर और इस वक्त जो कलर आया है बालों पे, माई गॉड पूरा चेंज हो गया बाल मेरा, पूरा चेंज हो गया, पूरा शाइनी कलर आया, एकदम शाइनी कलर आया। मुझे पता नहीं आ रहा है कि मैं इसके साथ डील कैसे करूं। अभी करीबन 3 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है मेरा बाल, आप देख सकते हो। आपको कैसा लगा कलर ये कमेंट करके बताओ, एंड यार बालों की इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाइक कर दो यार, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि बाल इस वक्त कैसे लग रहे हैं मेरे। बस देख रहा हूँ तो बस कलर ही कलर हर तरफ, देखो यहाँ पे कुछ गोल्डन पार्ट है, यहाँ पे डार्क ब्राउन है, यहाँ पे रेडिश है, यहाँ पे लाइट गोल्डन है, तो एकदम अलग ही अलग कलर मिक्सचर है। तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कैसा लग रहा है, और दिस वॉज द रिएक्शन। हालांकि जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया स्ट्रेक्स का वो बहुत ही कमाल का है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई बाल नहीं टूटे हैं, कुछ नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ है। एंड हियर शी इज। बाबा कैसा लग रहा है, नहीं जाना, कैमरे के सामने देखना है आपको। कैमरा देखते देखो, कैमरा को इग्नोर कर रही है, कैमरा को देख के भाग रही, उधर कैमरा इधर है, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो, नहीं 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 छोड़ूंगा मैं आपको, आपको कैमरा पे रहना ही होगा अभी, हाई कर दो। कुछ देर तक तो चीकू भी मुझे नहीं पहचान रही थी कि ये दूर दूर भाग रही थी ये बालों का कलर देख के, अभी उस कैमरे में चुपके चुपके आ रही है। चल पूरा हाई करो, टाटा, अच्छा टाटा कर दो, टाटा टाटा, ये ताली मारो, ताली मारो, ताली मारो, ताली मारो, हाँ ताली मारो, अच्छे से ताली मारो, जोर से, ये हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो। थोड़ा बहुत चीजें करती है, लेकिन हम लोग टॉपिक से थोड़ा भटक रहे। आदू हाटो,
बहुत छेड़ती है मेरे को ये टिक 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 टिक। तो मैं बोल रहा था कि स्ट्रेक्स जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, कोई भी साइड इफेक्ट तो मुझे अभी तक लगा नहीं है। हालांकि मैं एक हफ्ते में चेक करते रहूंगा अपने बालों पे कि कैसा कुछ टूट तो नहीं रहा, ज्यादा झड़ तो नहीं रहा है, डैंड्रफ तो नहीं होने लगा है, या फिर अलग अलग प्रॉब्लम तो नहीं आने लगा स्काल्प पे, तो वो भी मैं बताते रहूंगा। हालांकि मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, तो फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, एंड लाइक कमेंट करके बताइए कि किस तरीके का मतलब कैसा लगा है आपको ये हेयर कलर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।